की विदाई का है रेणु बालाजी, वो यहाँ पे चबूतरा गांव में पहुंची है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनके आज सुबह से ही काफी ज्यादा प्रोग्राम थे। आप देख सकते हैं कि इस समय चबूतरों में काफी ज्यादा भारी संख्या में लोग इनको सुनने के लिए काफी समय से यहाँ पे इंतजार करते हुए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 71 और इस समय मौजूद है हम गांव चबूतरों में। और यहां पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भारी जनता वहां पे काफ़ी संख्या में लोग बैठे हैं और यहां पे एक प्रोग्राम है। मैडम रेणु बालाजी हमारे विधायक हैं, तो करमबीर जी हमारे साथ, एक मिनट जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, ठीक ठाक जी? बढ़िया। तो आज प्रोग्राम है विधायक का जी। हाँ जी। तो कैसा माहौल है गाँव में, क्या लग रहा है आपको? माहौल तो आपके सामने है जी। अच्छा, आप देखो भी कैसा माहौल है। जी जी जी, इसकी अच्छी हुआ है संभावना इसकी। अच्छा जी, तो आपको लगता है कि दोबारा से एमएलए बनेंगे स्टोरेज से जी कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल बनेंगे जी। तो ठीक है जी, करमबीर जी हमारे साथ, तो मोर से पूछेंगे। और जी क्या हाल है जी? ठीक है। क्या नाम है भाई साहब? रामचंद्र। क्या काम करा जी? मैं वैसे तो मजदूरी करते हैं। अच्छा जी, हाँ जी। तो भाई साहब, आज आपके गाँव में यहाँ पे जो विधायिका है हमारी रेणु बाला जी, वो यहाँ पे पहुँचने वाले हैं जी। जी, तो शायद उसी लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है आपको आने वाला समय किसका है? आने वाला समय कांग्रेस का है। कांग्रेस पार्टी का? हाँ जी, जी कांग्रेस पार्टी का है जी। क्योंकि जैसे मोदी सरकार है जी, इन्होंने इतनी जो कार्य किए हैं, जो मजदूरों के हक में कोई भी कार्य नहीं। अच्छा जी, जी हमारा युवा पढ़ा लिखा है, बेरोजगार मतलब रोजगार नहीं है? रोजगार तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, गाँव में आप देखो जाके कितने पढ़े लिखे हैं। मैंने भी कई बार इंटरव्यू दिया है लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है। अच्छा जी, कुछ नहीं, कोई रिस्पांस नहीं है जी। क्वालिफिकेशन में कोई कमी नहीं है। अच्छा जी, और इंटरव्यू भी बढ़िया दिए, पेपर भी अच्छे दिए, उसके बाद भी मानो कोई रिजल्ट। अच्छा जी, नेगेटिव रिजल्ट। आप कांग्रेस कह रहे हो, तो कांग्रेस कहने से मतलब हालात में सुधार होगा जी? एक तो महंगाई से छुटकारा मिलेगा। अच्छा जी, ठीक 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 है। क्योंकि इतनी महंगाई हुई है, 300 रुपये मजदूरी है जी। हम 200 रुपये का राशन लाते हैं, 100 रुपये मोटरसाइकिल में तेल डालते हैं जी। जी जी, तो पीछे 100 रुपये बच गए। कुछ भी नहीं जी, कुछ भी नहीं बचा। बच्चों के लिए अगर कुछ खाने का लेके आए ना जी, जब बच्चे बीमार होते हैं या घर वाली या कोई परिवार का बीमार होता है तभी जी, कुछ फल फ्रूट लेके आते हैं, अदरवाइज बाजार से खाली आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, एक बात और बताओ भाई साहब, जैसे अभी इनसे पूछेंगे जी। राम राम। तो आज आप किसको सपोर्ट करोगे? रेणु बाला। रेणु बाला, तो अगला विधायक कौन है स्लोरे से? स्लोरे से टिकट मिलने पर। टिकट मिलने के ऊपर है जिसको पार्टी टिकट देती है। हाँ जी जी जी। हमारे साथ मास्टर जी हैं अपने, जगीर सिंह जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बाजवा जी, सत श्री अकाल जी, ठीक ठाक जी? सर बढ़िया जी। बाजवा जी, अभी चबूतरों में आज अभी जैसे मैडम का प्रोग्राम है रेणु बाला जी का, हाँ जी, तो आपको क्या माहौल लगता है सडोरे की जनता का, क्या मूड है आपकी बात? देखिए, सडोरे की जनता का तो स्पष्ट माहौल है बिल्कुल, क्योंकि जो आने वाली सरकार है जी, क्योंकि पूरे हरियाणा में, हल्का सडोरा की बात नहीं, हम पूरे हरियाणा की अगर बात करते हैं तो जी, जो है इस टाइम पिछली जो सरकार से हैं जी, लोग उब चुके हैं बिल्कुल। आप किसानी आंदोलन लगा लो जी, कोई हमारी अग्निवीर वाले लगा लो जी, हर जगह पक्षपात किया है सरकार ने, इसलिए जो लोगों का है मन अब बदलाव की तरफ है जी। जी, और कांग्रेस की तरफ जी। जी जी। तो हमारे साथ जाट नेता है हमारे मास्टर जी। मास्टर जी, आपको पता ही है कि पिछले मतलब एक साल तक दिल्ली में जो किसान थे, तो और जो जो उनके साथ हुआ लाठीचार्ज, वो आपको सब पता है, तो कहीं ना कहीं उसका कितना असर पड़ेगा सरकार के ऊपर? जिम्मेदारों का जी बहुत बड़ा असर पड़ेगा जी। जी, सरकार के खिलाफ जो है जिम्मेदार बिल्कुल खिलाफ हो गए जी, उन्होंने अपनी तरफ से ना जी कोई कसर नहीं छोड़ी है। अच्छा जी, लठ मारे हैं, आतंकवादी कहा, कितने आदमी मर गए, तीनों चारों सीजन जो है बरसात का, गर्मी का, सर्दी का, सारा उनके ऊपर निकल गया, उन्हें परवाह नहीं करी। अच्छा, अब फिर किसान बैठे हैं जी, आगे से उन्होंने रोक दिया है। अच्छा जी, है जी, जी उन्होंने रोक दिया, कह रहे हैं कि किसान ने रोक दिया, उन्होंने जब आगे बाड़ लगा दी तो उससे फिर आगे कैसे जाएंगे जी। जी जी। अच्छा, हम काफ़ी टाइम से देख रहे हैं मास्टर जी कि किसान जानतर सड़कों पे ही है इस सरकार में, तो क्या वजह है, मतलब क्या कमी है इसमें? खाली सर, खाली किसान नहीं है जी, जी। आप टोटल मुलाजिम देख लो, कोई किसी भी डिपार्टमेंट है, अच्छा सब है, चाहे वो नंबरदार हैं, चाहे वो सरपंच हैं, अच्छा चाहे वो मजदूर हैं, कोई भी है, आज सब सड़कों पर। आप सबको हाथ जोड़ के अपना राम राम भी करते हैं।
साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में हमारे लोकसभा चुनाव हुए और इन लोकसभा चुनाव में एक जो कहते हैं कि हल्का सा ढोरा से ऐतिहासिक ही कहूँगी, क्योंकि जो लीड हमें लोकसभा सढ़ोरा में दी गई चुनाव के दौरान वो सबसे ज़्यादा लीड हमें मिली और उसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हो। उसके लिए जो हमें हमारा लोकसभा में 40,055 वोट की लीड सढ़ोरा से मिली और यहाँ से अपने प्रत्याशी जो कैंडिडेट थे वरुण जी को जिता के भेजा विधानसभा लोकसभा में, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत आभार। और आप सबसे अपील भी यही करूँगी कि 2 महीने के बाद हमारा विधानसभा का चुनाव है और जैसे आप लोगों ने लोकसभा में इतने उत्साह के साथ अपनी वोट डाली, वोट की, सपोर्ट की, वैसे ही उत्साह के साथ आप विधानसभा में भी अपनी एक एक कीमती वोट डलवाने का काम करें और कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जितवा कर विधानसभा में भेजें।